व्याकरण का पार्ट है आपका छह वचन। तो बच्चों ये ऑलरेडी स्टार्ट था, इसमें मैम ने आपको पढ़ा दिया था, थ्री पॉइंट तक पढ़ा दिया था, फोर पॉइंट है आपका कि जो वचन आपने पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा एक वचन के स्थान पर प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे आदर, किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, माता जी खाना बना रही हैं, तो हम उनका आदर सम्मान से ही बात कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से देखोगे आप, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का, ठीक है। जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें जी करके बुलाते हैं, हमारे हमसे जो बड़े होते हैं, तो उनको हम जो एक स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे, जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, उदाहरण बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, बहुवचन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आदर या सम्मान के साथ उन्हें सम्मान दिया जा रहा है या उनके लिए बात कही जा रही है। नेक्स्ट है आपका नेताजी भाषण दे रहे हैं, अब नेताजी भी भाषण दे रहे हैं तो उनको भी हम आदर के साथ ही बोलेंगे क्योंकि वो भी उनसे बड़े हैं, तो दे रहे हैं बहुवचन में आ गया, तो ये भी उनसे रिस्पेक्ट में बात की गई। नेक्स्ट है आपका प्रधान, कल प्रधानाचार्य जी आ रही हैं, ठीक है, तो प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, टीचर हैं वो, प्रिंसिपल हैं, तो उनको भी आदर सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पे, एक वचन है तो वो एक ही, पर जब उनके उनके लिए बात बोली जा रही है तो क्या, आ रही हैं, ठीक है, बहुवचन का यहाँ पे भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आप यहाँ कब आए, तो आप यहाँ कब आए, आप ही हो रहा है आदर, हम बड़ों को आप बोलते हैं, और आए ये भी बहुवचन में हो गया चेंज। तो ये हमारा क्या हुआ, सारे एग्जांपल हो चुके हैं आपके, ये किसके स्थान पे है, एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग। समझ आया बच्चों कि किस तरीके से हम सम्मान और आदर वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हें हम बहुवचन कहते हैं। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है, कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, अपना सम्मान देने के लिए मैं के स्थान पर हम का बहुत लोग प्रयोग करते हैं, बहुत लोग मैं भी बोलते हैं, तो सम्मान देने के लिए हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हम तुमसे कल आकर मिलेंगे, ठीक है, हम, तो ये यहाँ पे हम क्या है, रिस्पेक्ट वाला है, सम्मान दे रहा है, तो ये बहुवचन के स्थान पर कभी कभार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हमारा काम तुम्हें अवश्य करना होगा, तो यहाँ पे क्या है, हमारा काम, अपने लिए भी बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा काम, या मेरा काम होता तो हमारा, ये क्या है, कौन सा शब्द है, रिस्पेक्ट वाला है, आदर वाला है, तो ये आदर सम्मान अपने लिए दिया जा रहा है, हमारा काम तुम्हें अवश्य करना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये वाला आपका दोनों टॉपिक, दो जो टॉपिक्स मैंने समझाए हैं ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, अभी आगे चैप्टर और है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, तब तक आप इसे रिवाइज करना। थैंक यू।